अभी वो है जिनके सलूनी सलूनी का दावा किसी ने नहीं किया कभी बोला के अलावा, लेकिन एक शख्स ने किया तारीफ पढ़े जिसका नाम है सिद्ध इब्ने जौजी, बगदाद का रहने वाला है, अहले सुन्नत का बड़ा आलिम दीन है, तज़किरतुल ख़वास बहुत मशहूर किताब है, गालिबन उसी की बहुत बड़ा आलिम दीन है सिद्ध इब्ने जौजी, इब्ने जौजी गालिबन उसका पोता शिया भी हो गया था, बगदाद में लोगों की खबर बहुत बड़ा आलिम दीन, उसने बस आखिरी जुमले उसने बगदाद की जो जामा मस्जिद थी उसके मेंबर से खड़े होकर कहा सलूनी सलूनी जो चाहो जो पूछना है पूछ लो, जो पूछना है पूछ लो। एक मरतबा अभी भी अरब में ये होता है कि पर्दा डला होता है, इस साइड से खवातीन नमाज पढ़ती है इधर मर्द पढ़ते हैं, एक मुहिब्बा अली अली की चाहने वाली खड़ी हुई, उसने कहा ऐ सिद्ध इब्न जौजी तुमने ये दावा क्या है कि सलूनी सलूनी जो पूछ रहे पूछो, मैं कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आप पूछो कि ये बताओ क्या ये रिवायत सही है कि उस्मान को बाद मुसलमानों ने कत्ल कर दिया और 3 दिन तक उसका जिस्म मदीने में पड़ा रहा और फिर रात की तारीकी में यहूदियों के कब्रिस्तान में उसे दफन कर दिया गया। तो सिद्ध इब्ने जौजी ने कहा हाँ ये रिवायत सही है, काली कहां तो सर काली मदीने में थे अपने घर में थे। अच्छा क्या कहने, सवाल लोगों ने कि ये बताइए कि ये रिवायत ही सही है कि जब सलमान मदाइन में दुनिया से रुखसत हुए अपने शोहर की इजाजत से आई है और मुझसे